जय जगन्नाथ सीएससी मानों पुणी गोटे नुआ प्रोजेक्ट आसीगला जनता मानों नुआ योजना योजना हूँ प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सम्मान निधि योजना जो थे कौ मैंने पाई लाभ प्रथम कहीदे यही योजन नदी और समुद्र मत्स्यजीवी जो मैंने धरती से व्यतीत मवसायी जो मैंने बेपार करते गोदाम मालिक प्रोसेसिंग प्रकल्प में जड़ित समस्त व्यक्ति पाई व्यतीत जदि कहीं भी निज घरे पाखरे गड़ियारे माछ चाष करूछि तांको मान करबे मु करे दे परिबे पई केवल डॉक्यूमेंट हिसाब रे आधार कार्ड लागिवो आउ बैंक खाता लागिवो आपनकर फिशरी सर्टिफिकेट पाइबा पई गोटे दिन रे संगे संगे रजिस्ट्रेशन करके कार्ड दे परिबे आपन एप्लिकेंट मानको एते सहित सीएससी मानको कमीशन अछि बिना सीएससी रे कोनोसी कमीशन नाही। तो आज वीडियो रे हमें डिटेल्स रे जानिबा केमती फिशरी रजिस्ट्रेशन करिवे फिशरी रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट बाहर करिवे एंड बाकी फायदा सब उठेबे कोन कोन फायदा अछि कहबा भूलियो यार बहुत सारा फायदा अच्छी बेनिफिट अच्छी इन्सुरांस टू आरंभ करके लोन मिल सब्सिडी मिल पाकर पढ़ापी स्कॉलरशिप मिल बहुत प्रकार बेनिफिट अच्छी जो मैंने पूर्व फिशरी पाई पचारिदेव तो एबे ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम सीएससी मैंने करेंगे पूरा भिडियोटा देखे आपने जापरेंगे केमती करेंगे आउ भिडा लास्ट जाए देखु जानतु किसी शिखतु सब नुआ नुआ भिड जाना शिखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ सब प्रथम आपको मुझे ये योजन आपड़ कौ मान अंतर्भुक्त करेंगे तो सहित यार जो मानक यार आवश्यकता अच्छी आम बैनर निजर सी एस सी सेन्टर में लगे कि मो सेवा केन्द्र कर सेन्टर में लगे तो बैनर मोर टेलीग्राम आपजे तो ये आप योजन नदी और समुद्र में मत्स्यजीवी माछ व्यवसायी माछ गोदाम मालिक एवं माछ प्रोसेसिंग प्रकल्प में जड़ित व्यक्ति आवेदन करें ठीक अच्छे समस्त को सरकारी सहायता मिल बहुत सारा सब्सिडी अच्छी तो तार फायदा उठाई से रजिस्ट्रेशन करती आप बर्तमान करें आगे ऑफलाइन थ्रो होता बर्तमान ऑनलाइन कर दिखाई ठीक अच्छे तो सहित आपको गोटे कथा कहीदे जो मैंने भी करेंगे तार डॉक्यूमेंट कौन कौन आवश्यक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक थी दरकार आ बैंक पासबुक या व्यतीत आ कौन सी डॉक्यूमेंट आवश्यकता नहीं ठीक अच्छे ना आप चलत सीधा केमती अप्लाई हम से देखे दूची तो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तार ऑफिशियल वेबसाइट रोचे जोटी आसला आपको देखो ये मिल जाए गोटे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन से आपको जीवा पड़ो न्यू रजिस्ट्रेशन को न्यू रजिस्ट्रेशन गला आपको तीन टा जिनस मिल आपको अप्लाई एज एन इंडिविजुअल अप्लाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉगिन फॉर सीएससी ठीक अच्छे आपको ये सीएससी लॉगिन रे कले कि बेनिफिट अच्छी जमती कि सीएससी मानक कमिशन मिलवा सहित सीएससी मानक कमिशन मिलवा सहित आपंकर सर्टिफिकेट डाउनलोड कौन सी प्रॉब्लम ना कोड़े दिन भितर वेरिफिकेशन केमती करेंगे देखो प्रथम सीएससी लॉगिन आपको कराया पड़ो क्लिक हेयर सीएससी लॉगिन को जीवा पड़ो ठीक अच्छे सीएससी लॉगिन रे गला परे आपको सीएससी रो यूजर नेम एंड पासवर्ड दुईटा मागिबो जोड़ा आपको दबाक पड़ो यूजर नेम आ पासवर्ड देला परे आपनकर रजिस्ट्रेशन आरंभ हबो सीएससी रजिस्ट्रेशन कला परे आपनको केमती एमती आपनकर आईडी देखेबो जोटी तापर आपन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन तळे अछि सेटी आपनको क्लिक करबाको पड़ो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आपनको जीवाको पड़ो रजिस्ट्रेशन ले गला परे आपनको दुईटा ऑप्शन मिलिबो गोटे होछि हमर इंडिविजुअल आ गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जमीती कि माछ गोदाम वगैरह ये सब जोड़ती ऑर्गेनाइजेशन रे जिबे इंडिविजुअल जे पर्सनली निज पई करतबो निजर गोटे गड़िया थिबो पर्सनल किंबा निजे कोनोसी माछ जोड़ित व्यवसाय करतबो तबे तांको इंडिविजुअल ले करा जिबो ठीक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होछि हमर जे कोनोसी माछ गोदाम हो किंबा कोनोसी जगह रे एक रु अधिक लोक ऑर्गेनाइज हे कि करतबे ताको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए तो मानक ऑर्गेनाइजेशन ले करिया पड़ियो तो आम इंडिविजुअल करके देखुचे कौन केमती करा जिवो तो सेटा को जानिबा इंडिविजुअल क्लिक कला परे आपण सबमिट करिवे आपणकर मोबाइल नंबर मागिवो आउ गोटे कैप्चा कोड अछि जोटा आपणको दबाको पड़िवो मोबाइल नंबर एंटर कला परे आपणको आपणकर जो स्क्रीन रे कैप्चा थिबो सेम कैप्चा को एक्जेक्टली आपणको एंटर करिया को पड़िवो सेंड ओटीपी रे क्लिक करिया को पड़िवो ओटीपी आपणकर मोबाइल नंबर को जीवो जोटा को आपको एंटर करने पड़ो सांगे सांगे आपको ओटीपी एंटर करने पड़ो जोटा आपंकर मोबाइल के जीवो आउ वैलिडेट रे क्लिक करेंगे तापर आपणकर एप्लिकेंट रो आधार नंबर मागिबो आधार नंबर सहित आपको ऑथेंटिकेशन करिया पड़ो आईरिज बा आई स्कैनर फिंगरप्रिंट आउ ओटीपी तीन टा ऑथेंटिकेशन रो ऑप्शन रही है जदि आपंकर मोबाइल नंबर रे आधार कार्ड लिंक अच्छी
तेज ओटीपी थ्रो रे करदे समस्ते करेंगे सेटा ठीक अच्छे तो से आपको कौन करा पड़ो प्रथम निजर आधार नंबर एंटर करा पड़ो ओटीपी रे क्लिक कर तलू गोटे जो आम चेकबक्स अच्छी सीटी डिक्लेरेशन टिक करा पड़ो एंड वैलिडेट आधार रे क्लिक करने पड़ो वैलिडेट आधार रे गला परे आपन को गोटे ओटीपी जीव आपर आधार लिंक मोबाइल नंबर को जी आप बायोमेट्रिक भी करें तेज आपन को ओटीपी जाइन था कि आपड़ जेहेतु आधार ऑथेंटिकेशन करते ओटीपी रे मोबाइल के ओटीपी जीव जो ओटीपी टाक आपन को एंटर करने पड़ो ओटीपी एंटर कला परे आपन वैलिडेट रे क्लिक करेंगे एंड आपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लिकेंटर फोटो सहित मोबाइल नंबर आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर ये सब जिनस एंटर होलैसब नेक्स्ट स्टेप आपको कौन करा पड़ो बाकी जहाँ रही फर्म्रे फिलअप करा पड़ो बहुत इजी फर्म अच्छी बहुत सहजे होमती कि फादर्स नेम बा स्पाउस नेम जदि आप ओमेन्स अच्छा निजर स्वामी ना दे पारे जब मेन अच्छा निजर बापा ना दे पारे जब अनमेरीड अच्छा ओमेन्स तेब भी आपको बापा ना दे पारे सो ये आपर बापा ना देलापर नेक्स्ट स्टेप आप सोशल कैटेगरी जो अच्छी सीटी एससी एसटी ओबीसी जहाँ भी आपर कास्ट थी आपको सहीटा सिलेक्ट करने पड़ो ठीक अच्छे एससी बीसी कास्ट ओडिशा रे ही केवल से सेंट्रल गवर्नमेंट पर ना आपको जेनराल जावाक पड़ो एससी बीसी जो मैंने बाकी ओबीसी ओबीसी एससी एससी एसटी एसटी हिं जी तापर स्टेप मेरीड किंबा अनमेरीड जदि मेरीड तेल येस लगे जदि अनमेरीड तेल न लगे ठीक अच्छे एप्लिकेंट र नेक्स्ट जिनस ईमेल आई डी कंपलसरी नुहे जब आप देते किसी असुविधा ना जदि न दे चल जक जिनस देखते ये रेड स्टार थी से गुड़ा सब कंपलसरी छाड़ी पारे ना जो गुड़ा पाखे एमती रेड स्टार ना आप छाड़ी जापारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के पाठ पढ़ी से सिलेक्ट कराक पड़ो प्राइमरी कि मेट्रिकुलेसन अंडर ग्राजुएट ग्राजुएट पोस्ट ग्राजुएट जहाँ भी थी ठीक अच्छे तो प्राइमरी जो मैंने अंडर मेट्रिक अच्छा प्राइमरी करदे जो मैंने मेट्रिक पास होती मेट्रिकुलेसन करदे ठीक अच्छे तापर यूएएन यूएएन आमर हूँ जोटा यूएएन आपण मैंने पाई सब कला बेले ई श्रम कार्ड नंबर से मैंडेटरी नुहे जदि अच्छी देवे जदि ना छाड़ पारे ठीक अच्छे तापर आर यू ए दिव्यांग जो मैंने हेंडिकेप थे से येस लगे जो मैंने हेंडिकेप ना से न लगे तापर आर यू लिस्टेड विथ एनी गवर्नमेंट स्टेट एंटिटी और फिशरी सेक्टर जदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में फिशरी डिपार्टमेंट काम कर लगे आपणकर डॉक्यूमेंट हिसाब से आपको देवाक पड़ो कौन कौन गवर्नमेंट आई कार्ड देवाक पड़ो आपर आई कार्ड अपलोड करा पड़ो जदि आप कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना फिशरी डिपार्टमेंट कि निजे पर्सनाल करते यू न लगे आउ सेव एंड नेक्स्ट पलर स्टेप आपको एड्रेस मागो परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस तो आपर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो दुटा जाक सेम थाए आपड़ी ठीक चिन्ह लगे पारे दुटा जाक सेम होटर हो ठीक अच्छे तो प्रथम आम परमानेंट एड्रेसटा एंटर करदे जो आप हाउस नंबर जी आप जानते देवे ना किसी नंबर देदे चलतापुर स्ट्रीट आम एरिया लोकालीटी कि लैंडमार्क किसी अच्छे देदेवे मेनसन करदे नियर दुर्गा मंडप किसी भी देपारे लैंडमार्क आपर सेम जिन ना भी छाड़ पारे लोकालीटी इफ एनी लोकालीटर आप निजर विलेज नेम कि कौन सी एरिया पाखापाखर एड्रेस दे पारे डिस्ट्रिक्ट आपंकर अच्छे सिलेक्ट करेंगे मेनुआली सब डिस्ट्रिक्ट आपंकर सिलेक्ट करेंगे जमीक आम बालेश्वर बालेश्वर सदर बालेश्वर म्युनिसिपैलिटी बालेश्वर बलरामगढ़ मेरीन आपड़ कौ एरिया जाऊे से लिखे तापर करेन्ट एड्रेस आउ प्रेजेट एड्रेस जो सेम बर्तमान यहाँ जिनस कनफ्यूज हेनी जो जनकर एड्रेस अच्छे भुवनेश्वर से कि आसिक बालेश्वर रोच तार परमानेंट एड्रेस तो रहा भुवनेश्वर करेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेसटा बालेश्वर को हो बट जो दिजन जाक सेम एड्रेस अच्छे ये ठीक करदे आउ दुटा जाक ठीक है ऑटोमेटिकली फेल होपर पुणी सेव नेक्स्ट पलैब सेव नेक्स्ट गलापर आपर अकुपेसन देखे कौन करती बायोटेक्नोलोजी यूनाइटेड ओनर ब्रॉड बैंक ऑपरेटर कौन आप फिश फीड प्रोड्यूसर फिशर प्रोड्यूसर फिश सीड प्रोडक्शन आइस प्लांट ओनर ये सब जिनस जड़ित रही है फिश सहित तो आपतर कौटा सिलेक्ट करेंगे जदि बाछिक करेंगे जो मैंने जहाँ कम करेंगे स्किल्ड वर्कर जदि आप केवल वर्क करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग जो मैंने माछ बेपार करेंगे से मैं भी रही है ठीक अच्छे किसी ना अदर्स देखिए आप डायरेक्टली मेनसन करदे ठीक अच्छे सपोज आई एम ए फिशर कि फिश फार्म कर बायोटेक्नोलोजी यूनिट ओनर जो मैंने घर टैंक बायोटैंक कर फार्मिंग करतीपरि नले फिश
ଫିସର ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକରୁ ଅଧିକ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଯେଉଁ ଅକୁପେସନ୍ରେ ଥିବେ ସେ ହିଁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାପରେ ଅଛି ଇନ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାୟୋଫ୍ଲୁଡ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଫ୍ଲୁଡ୍ସରେ ଚାଷିଂ କରନ୍ତି ବା ଫିସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ ହେଲା ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି କାରଣ ଆମର ଯଦି ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଦେବେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଦେବେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛି କି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ବିଜନେସ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିବେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ସ୍ପେସିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ରେ ଆମର କେଉଁ ମାଛ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେବେ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଅଦର୍ସ ଲେଖିକି ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆସେଷ୍ଟ ଓନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାଚ୍ କଲ୍ଚର୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏକ୍ୱା ପଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏରିଏନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲଥିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ର ନେମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଖାତା ଅଛି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ସପୋଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିଦେବେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଦେବ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଥର ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଥର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଯିବ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଓର ନମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିସରୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କିଛି ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କିଛି ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ 20 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିଲା ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସବୁଯାକ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିସିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଏଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ